आउज़बिल्बिनिशैतन बसमरमन रहीम तीसूरत यूनुस या एयुहन्नास क़ाअकुम मऊ इज़ तुम मब्बुम व शिफ़ा फ़िस्दूर व मुमिनीन, कुल बिफ़ल्लि व बि फ़बी ज़ालिका फ़ल यफ्रह हुआ खैर उम्मा ऊन सदक अल्लाजीम रब शराली सदरी व यसरली अमरी वखुल्क़द्दत मिलसानी यफ़ा हु कौली रबी यासर वलात असर वतमिल ख़ैर आमीन या रबल आलमीन सरयनुस से कुछ टैक्स मैंने आपके सामने दिलावत की है जिन में अल्ला त इंसानों से ख़िताब करते हुए इर्शात फरमाया कि या नास लोगो मो इजा तुम यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है वह लिमा उल्लमा सुदूर और ये जो सीनों में है उनके लिए शिफा है नसीहत क्या है कुरान मजीद की शक्ल में नसीहत मौजूद है और ये शिफा है उनके लिए जो सीनों में है सीनों में क्या है जी दिल तो गोया जो दिल की बीमारियां उनके लिए शिफा है अब दिल की बीमारियां क्या क्या हैं जी यानी हमारा फौरी तौर पे जहन जाता है हार्ट अटैक की तरफ ठीक दिल का बड़ा होना दिल का छोटा होना ये होना वो होना नहीं यहाँ पर दिल की जो बीमारियां हैं असल में वो हैं अखलाकी बीमारियां और सबसे बड़ी बीमारी दिल की आप जानते हैं वो क्या है दिल की सबसे बड़ी बीमारी यानी सीनों में जो दिल है उसकी सबसे बड़ी बीमारी वो है जी केब्र तकबर अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं कि आप में से कौन कौन तकबर करता है तो आप माशाल्लाह सब कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तकबर नहीं करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ उसके बाद फिर आप अपना अपना जायजा लीजिएगा और फिर बताइएगा कि आप में से कौन ऐसा है जो इस तकबुर से बचा हुआ है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह रज़ील्ला तु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतब अर्शात फरमाया कि लायत खल जन्नत शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन जिसके दिल में एक जर्रे के हम वजन भी किब्र होगा साहबा में से एक शख्स ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लासम एक शख्स ऐसा है कि इन्ना रजुला आई यकून के वो चाहता है कि सऊबहू उसका कपड़ा उसका लिबास हसनन अच्छा हो व नालहू और उसका जूता हसनत, वो भी अच्छा हो तो गरी पूछा कि क्या ये तकबूर है तो आप अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं ये तकबूर नहीं है आपने फ़रमाया कि इला जमीलन अल्लाह ताला तो खुद खूबसूरत है व जमाला और वह खूबसूरती को पसंद करता है फिर आपने जो किब्र को डिफाइन किया जरा आप वो सुनिएगा कि बतरुल हक्की हमतुन तोन्नासी बतरुल की के माना है हक का इनकार कर देना हक सामने आ जाए और आप उसको ना माने ये है तकबर और नास से क्या मुराद है लोगों को हकीर समझना ये है किब्र जी किब्र ये डिफाइन किया नबी करीम अलैहि वसल्लम ने अब जरा बताएं कि हम में से कोई ऐसा शख्स है जो इस तकबुर से बचा हुआ हमारे सामने कितनी मरतबा हक आ जाता है सच्ची बात आ जाती है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाता है अब हम उस पर अमल करते हैं या नहीं करते फिर लोगों को दूसरों को हकीर समझना क्या हम जब एक बड़ी गाड़ी पे बैठे होते हैं तो ये मोटरसाइकिल पे और पैदल चलने वाले हमें हकीर नहीं महसूस होते क्या हमारे घरों में काम करने वाले या काम करने वालियां हमारे गली मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाले या कूड़ा उठाने वालियां ये क्या हकीर लोग नहीं है हम इन्हें हकीर समझते हैं तो लिहाजा इस एतबार से हम सब इस बीमारी का शिकार है तो सबसे बड़ी बीमारी जैसे में रखिएगा नबी वसल्लम ने यानी इस हवाले से किब्र है तकबर और हम में से मेरा नहीं ख्याल के कोई बचा हुआ हो तो कुरान और नबी करीम वसल्लम के फरामीन सुनने का पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि हम अपना अपना जायज़ा लें कि हम कहीं अगर कोई वईद है तो उसके तहत तो नहीं आ रहे और अगर कोई खुशखबरी सुनाई गई है तो क्या हम उसमें आ रहे हैं तो ये जायज़ा लेना इन शब देखेंगे इससे बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी और हमेशा अपना जायजा लेने की कोशिश किया करें क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरी बीमारी जो है वो ये है कि हमेशा हम दूसरों का जायज़ा लेते हैं अपना जायज़ा कभी नहीं लेते तो दिल की सबसे बड़ी बीमारी ये तकबू है जी और बाकी फिर जैसे उन्होंने फरमाया कि निफाक ये भी दिल की बीमारी है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, में शादर फरमाया कि फ़ी फ़ीकलूबिम मारादुन उनके दिलों में एक बीमारी है फ़ादाद हूँ अल्ला मरादा और अल्लाह ने उन्हें उनकी बीमारी में ज़्यादा कर दिया है तो ये भी नफाक भी दिल की एक बीमारी है फिर हसद ये भी दिल की एक बीमारी है कीना बोहस फिर खुद पसंदी ये बहुत बड़ी बीमारी है यानी हम में से हर कोई यही समझता है कि मेरे से बेहतर शायद दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ किसी काम में महारत अगर उसे हासिल है किसी कारोबार में या किसी खास फील्ड में तो वो अपने से बेहतर किसी को समझते नहीं यही तक है जैन में यही खुद पसंदी है तो मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला ने शास्त्र में के या उन्नासा मोजात उम शिफ़ा उलमाफी सुदूर और ये क्या है वा हुदन ये हिदायत है व मोमिनीन और अपने मानने वालों के लिए मोमिनों के लिए रहमत है फिर आगे फरमाया कि कुल ए नबी वसल्लम इन्हें बता दीजिए बेफजल्लाहमति ही अल्लाह ये जो नज़ूल कुरान है अल्लाह रहमत और उसके फजल के सबब से है अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी दौलत इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया उसे उसने तुम्हें, तुम्हें कुरान अदा कर दिया से बड़ी कोई नेमत नहीं है और ये अल्लाह का फजल है कि उसने तुम्हें कुरान जैसी दौलत कुरान जैसी नेमत से नवाजा फबाली का फल यफ्राहू अगर खुश होने खुशी मनानी है तो इस बात पर खुशी मनाओ कि अल्लाह ने तुम्हें कुरान जैसी अजीम दौलत अदा की है और एंड पे फरमाया हुआ खैरुम मम माँ ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो ये जमा करते हैं इंसान क्या का जमा करता है जी पैसा जमा करता है ज़मीनें जमा करता है प्रॉपर्टी उसकी बढ़ रही है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है पता नहीं क्या कुछ जमा करता है अगर जमा नहीं होता है इंसान के पास कुछ तो वो ये क़ुरान है जी ये इंसान जमा नहीं करता इसका अब जमा करना क्या है इसे इसी कल्ब में जमा किया जाए इसके अल्फाज को याद किया जाए अल्फाज को समझा जाए इसके अल्फाज को फिर आगे समझाया जाए और इंसान की ज़िंदगी जो है वह इसी इतनी बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने दी है उसके लिए कुछ करने में गुज़र जाए मैं कहता हूँ फिर भी ये ज़िंदगी इंसान की थोड़ी होगी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और इस कुरान के लिए हमें कुछ ना कुछ करने की तोफ़ीक़त फरमाए हम इसे पहले सीखेंगे और फिर उसके बाद इन आगे सिखाने वाले बनेंगे और कुरान को सीखने के लिए ज़ाहिर बात है कुरान की ज़ुबान जो सबसे बड़ी रुकावट है इस रास्ते में उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला हमारे लिए इस ज़ुबान को आसान फरमाए जी आज के लेक्चर में मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अलहमदिल्ला आप सब हिज़ा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं उनकी तादाद उनकी प्रोनंसिएशन अले हमज़ा का फ़र्क लफ्ज़ लफ्ज़ की अकसाम कलिमा की अकसाम इसम फ़ैल हर्फ और इसम के बारे में चार बातें अच्छी तरह आपको मालूम है इसम की जिन से क्या मुराद है मुजक्र मोनस इसम के अदद से क्या मुराद है वाहिद मुसन्ना जमा इसम की वसत से क्या मुराद है मारिफा नकरा और इस्म के से क्या मुराद है इसम का स्टेटस यानी उसका मरफू मनसूब और मजरूर होना और आप ये भी अलहमदिल्ला जानते हैं कि इसम मुजक्कर और मोनस उसको हम कैसे पहचान सकते हैं हकीकी मुज़क़्कर पहचानने का तरीका आपको पता है बस सिर्फ लफ्स के माना आते हों आपको तो आप बता देंगे कि यह हक़ीक़ी मुज़क़्कर है इसलिए कि उसके मुकाबले में कोई ना कोई आपको फीमेल मिल जाएगी और हकीकी मोनस वो भी आप पहचान लेंगे कि अगर लफ्ज़ के माना जानने के बाद आपको मुकाबले में कोई मुजक्कर मिल जाए मेल मिल जाए तो आप कहेंगे कि जी वो हक़ीक़ी मोनस है गैर हकी मुजक्कर है या गैर हकीकी मोनस है इसके लिए हमने गैर हकीकी मोनस को पहचानने की कोशिश की उसमें गोलता मोनस की और हवाओं आग शराब शहरों और मुल्कों के नाम और जुफ्त अज़ा और चंद छः आसमान लिखवाए थे वो हमारे मोनस सिमाई में चले जाएँगे इसके अलावा जो भी इसम होगा हम उसे मुजक्कर कंसिडर करेंगे अदब के अतबार से आप जानते हैं कि इसम वाद होगा एक के लिए मुसन्ना दो के लिए और जमा दो से जायद के लिए मुसन्ना बनाने का तरीका हमने सीखा था कि वाहिद इसम जो भी है आपके पास चाहे मुजक्कर है चाहे मोनस उसके आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर अलिफ और नून जे नी का इजाफा कर दें जिससे इसम के आखिर में आनी की आवाज सुनाई देगी कलम से कलम आनी और गुरफा से गुरफत आनी उसके बाद हमने जमा पढ़ी थी कि जमा दो किस्म की होती है एक होती है जमा सालम और दूसरी जमा मुकसर जमा सालम वो जमा जिसके शुरू में वाहिद वाहिदम सही सालिम मौजूद हो और इसकी दो अकसाम थी जमा साल मुजक्कर और जमा साल मोनस वाद शुरू में रख कर वाओ और नून जबर ना लगा कर जमा साल मुजक्कर बन जाती है और वाहिद वाद अगर मोनस है गोलता वाला है तो उसकी गोलता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगाने से वो जमा मोनस बन जाती है जमा मुकसर बनाने का कोई फार्मूला नहीं है इसको हमने देखा था कि याद ही करना पड़ेगा और बहुत सारी जमा मुकस्सर अलहमदिल्ला आपको मालूम थी इसम के तीसरे पहलू पर आज हम इनशा तला गुफ्तु करेंगे और दो पहलू मेरे सामने मौजूद हैं जी इसमें से एक है वसत का और दूसरा है एराब का तो इस वक्त मेरे मतलब दिल की आवाज़ यह है कि मैं अब आपको एराब समझा दूँ कि इराब है क्या तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसको सामने रखते हुए इंशाल्लाह ताला हम एराब समझेंगे और वसत जो है इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि जब इराब का क्लियर हो जाएगा तो वसत पढ़ते हुए कुछ असमा का इराब इंशाल्लाह ताला हम जानने की कोशिश करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है ऐराब जब मैंने आपको इराब शुरू में बताया था तो ये बात बताई थी कि इराब जेर जबर पेश नहीं है जेर जबर पेश हरकत है एराब कुछ और चीज है वो कुछ और चीज क्या है वो मैं आपको सिंपल सी एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं और बताता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया और बगैर कुछ किए हमें कलिमा मुफ्त में जो अता हो गया और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पहला कलिमा याद कराया जाता था कि पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक और ला लाला रसूलुल्लाह। तो इस कलिमा में इस मोहम्मद वसल्लम इस्तेमाल हुआ जो कि आप देखेंगे लिखा हुआ आपको मिलेगा इस तरह मोहम्मदुन। क्लियर हो गया अभी तक हमने जितने भी वाहिद अस्मा पढ़े हैं उसमें मैंने आखिर में किसी भी इसम के आखिर में कुछ नहीं डाला था तो आज पहली दफा मैं इसम के आखिर में कुछ डालने लगा हूं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद उन रसूल ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल है अजान में आप क्या सुनते हैं जी अशद मोहम्मद रसूल तो अजान में या कलमा शहादत में आप मोहम्मद इसम को मोहम्मद के तौर पे सुनते हैं जी कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दिन वहां पर आप इस मोहम्मद को मोहम्मद दिन पढ़ते हैं कि अल्लाह मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा अब देखिए तीन जगह पर इस मोहम्मद जो है वो जिक्र हुआ और तीनों जगह इस मोहम्मद के माना मोहम्मद ही रहे क्या किसी जगह पे इस मोहम्मद के माना बदले माना नहीं बदले मोहम्मद के रसूल हैं मैं गवाही देता हूं मोहम्मद के रसूल हैं और अल्लाह मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा तो इसम के माना नहीं बदले लेकिन कुछ बदला जरूर है ठीक है क्या बदला है आप देखिए इसम की शक्ल बदल रही है इसम की शक्ल बदल रही है कहीं वो मोहम्मद उनके तौर पर आ रहा है कभी मोहम्मद के तौर पर आ रहा है कभी मोहम्मद इनके तौर पर आ रहा है ठीक हो गया इसम की शक्ल बदल रही है यही जो शक्ल बदलेगी माना नहीं बदलेंगे ये चीज़ इन शाली हमें इराब में समझ में आएगी जी बाज़ात हम उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत आसान एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ मैं कहता हूँ जी जैद मेरा दोस्त है और मैं सिंपल सा जुमला उर्दू में बनाता हूँ मदद करने के हवाले से कि जैद ने मेरे भाई हामिद की मदद की यानी इसमें और इसे आसान कर ले तो मैं कहूँ जैद ने हामिद की मदद की अब माशाल्लाह आप उर्दू जानते हैं आपके में है कि इसमें एक, एक, एक काम हो रहा है जुमले में मदद करने का और कोई मदद कर रहा है और कोई ऐसा है जिसकी मदद की जा रही है ठीक है तो काम के करने वाले को फाइल कहते हैं और जिस पर काम हो रहा होता है उसे मफूल कहते हैं अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नाम से इन्हें जानते हैं तो आप मुझे बताएं कि जब मैं कहता हूं कि जैद ने हामिद की मदद की तो जैद फाइल हुआ ना क्योंकि वो मदद कर रहा है और मफूल कौन हुआ हामिद क्योंकि उसकी मदद की जा रही है अब मैं दूसरा जुमला बोलता हूं कि हामिद ने जैद की मदद की तो अब हामिद फाइल हो गया और जैद मफूल, मफूल हो गया क्लियर हो गया अच्छा अब यही दो जुमले अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो आप कहेंगे जी जैद हेल्पड हामिद और दूसरा जुमला हामिद हेल्प जैद यही है ना इसके अलावा कुछ नहीं है अच्छा अब देखें अब जरा अंग्रेजी की तरफ आए मैंने जब कहा जैद हेल्प हामिद अगर मैंने हामिद को शुरू में लगा दिया तो जुमले का मफहम बदल गया अब हामिद सब्जेक्ट हो गया और जैद ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे ही है ना लेकिन उर्दू में देखें मैंने क्या किया जुमला मैंने बोला जी जैद ने हामिद की मदद की और अगर मैं बोलूं हामिद की जैद ने मदद की तो बताएं माना में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना क्यों नहीं पड़ा जैद ने हामिद की मदद की हामिद की जैद ने मदद की ने और की की वजह से ऐसे है ना यानी आपने देखा इसम के साथ ने लग गया तो वो नॉर्मली फाइल को बताता है चाहे वो शुरू में आ जाए चाहे एंड पे आ जाए ये ने और की या दूसरे अल्फाज में क्या है को का लफ्ज हम आमतौर पर मफूल के लिए इस्तेमाल करते हैं मैसा इसके लिए मोटी एग्जाम्पल दी जाती है कि जैद ने हामिद को मारा हामिद को जैद ने मारा तो अब जिसके साथ को जा रहा है वो मफूल बन रहा है और जिसके साथ ने जा रहा है वो फाइल बन रहा है यही चीज है ना उर्दू में हमें बता रहा है ने और को ये लफ्ज बता रहे हैं कि यह फाइल और यह मफूल है अंग्रेजी में क्या बता रहा है हमें फाइल और मफूल कोई ने को के लिए लफ्ज नहीं है सिंपल से दो अल्फाज हैं जी जैद हेल्प हामिद और हामिद हेल्प जैद कोई ने नहीं है कोई को नहीं है तो कैसे पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट है प्लेस बताएगी अंग्रेजी में कि सब्जेक्ट शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट आखिर में आता है अगर आप उसे ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए तो सब्जेक्ट बन जाता है और वो वहां चला गया अब अरबी की तरफ आए यानी पता आपको ये चला कि उर्दू में कुछ अल्फाज हैं ने और को जैसे जो हमें फाइल और मफूल का पता देंगे अंग्रेजी में तरतीब है शुरू में फाइल को रखेंगे मफूल को एंड पे रखेंगे अब अरबी जुबान की सुन लें अरबी जुबान में ना तो ने और को के लिए कोई अल्फाज है ने और को के लिए कोई लफ्ज नहीं है अरबी जुबान में और ना ही अंग्रेजी की तरह तरतीब लाजमी है तो अब जरा देखें कैसी जुबान हुई ना तो नेक और को को के लिए कोई लफ्ज क्या पहचान ये अच्छा ये नहीं लगाया तो ये फाइल है ये को लगा हुआ है तो ये मफूल है और ना ही अंग्रेजी की तरफ तरतीब है कि अच्छा शुरू में आ गया तो फाइल है आखिर में आ गया तो मफूल है कुछ भी नहीं है तो अब ये कैसे पता चलेगा अरबी जुबान में ये अरबी जुबान में हमें बताएगा इसम का एराब यानी इसम का मरफू होना मनसूब होना और मजरूर होना ये इसम की तीन हालतें इन ताला हम पढ़ेंगे और फिर हमें आगे पता चलेगा कि फ़ाइल को हमने मरफू रखना है मफूल को हमने मनसूब रखना है ये हम आगे इनशा तैयार पढ़ेंगे कब कब इस मरफू होगा ये इनशा तै हम तफसील से पढ़ेंगे अगरचे अभी इस वक्त ये बात आपको शायद मुश्किल लग रही हो तो बजाय इसके मुझे याद है जब हम छठी क्लास में थे तो हमें जब पहली दफ़ा अंग्रेज़ी पढ़ाई गई थी तो उसके बाद हमें उन्होंने वर्ब की फॉर्म्स याद करवाई थी ये जी वर्व की तीन फॉर्म्स हैं याद कर लें गो वेंट गौन ठीक है इसी तरह बहुत बेशुमार अल्फाज की हमने फॉर्म्स याद की थी इस टेंशन से आज़ाद होकर कि ये फॉर्म्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होनी है हमने कहा फॉर्म्स याद कर लें बस फॉर्म्स याद कर ली फिर उसके बाद हमें टेंसिस करवाए गए और हमें बताया गया कि ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगेगी सेकेंड फॉर्म पास इंडेफिनेट में लगेगी और थर्ड फॉर्म जो है या पैसेवाइज में लगेगी या फिर परफेक्ट टेंस में लगेगी ऐसे ही है ना तो पहले फॉर्म्स हमें याद करवाई गई फिर बताया गया उनका इस्तेमाल तो बजाय इसके कि हम पहले टेंसेज में पढ़ जाए ठीक है और फिर फॉर्म्स याद करें बेहतरीन तरीका यह था कि पहले आप फॉर्म्स याद कर लें तो पहले हम काम यह करेंगे कि इसम की जो तीनों हालतें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि इसम जो है अब तक हमने जो जो इसम पढ़ लिया है कौन कौन सा पढ़ लिया जरा बताएं वाहिद इसम पढ़ लिया मुजक्कर मोनस वाहिद मुजक्र मोनस पढ़ लिया मुसन्ना मुज़क़्कर मोनस पढ़ लिया जमा सालि मुज़क़्कर पढ़ लिया जमा साल मोनस पढ़ लिया जमा मुकसर मुज़क़्कर पढ़ लिया जमा मुकसर मोनस पढ़ लिया अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म, हर इस्म, दुनिया का हर इस्म, जो भी अरबी जुबान में इस्तेमाल होगा वो इराब के एतबार से तीन हालतों में आपको मिलेगा टेक्स्ट में उन तीन हालतों में से किसी एक हालत में वो लिखा हुआ मौजूद होगा बस अब आपने पहचानना है कि यह किस हालत में पड़ा है यह रफा वाली हालत में पड़ा है नसब वाली हालत में पड़ा है या जर वाली हालत में पड़ा है यह मरफू है मनसूब है या मजरूर है यह पहचानना है आपने तो इंशाल्लाह तार आज हम कोशिश करेंगे कि पक्की पहचान कर लें और इंशाल्लाह शाल बहुत आसान टॉपिक है बजाय इसके कि आप इस डिटेल में जाने की कोशिश करें मैं आपको इराब की टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं जो कि आप याद करते करते थक जाएं कोई फायदा नहीं होगा सिर्फ यह समझ लें कि एराब के एतबार से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिन्स के एतबार से इसम या तो मुजक्र था या मोनस था अदद के एतबार से इसम या तो वाहिद था मुसन्ना था या जमा था वसत के एतबार से या तो इसम मारफा होगा या नकरा होगा तो एराब के एतबार से इसम की तीन हालतें होंगी जी मुजक्र मोनस वाहिद मुसन्ना जमा और फिर जमा में सालिम और मुकसर उनको सामने रखते हुए इनशाला ताला तीनों हालतों में इसम को पहचानने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई अलामत मुकर्र लेंगे जिससे हम पहचान लेंगे कि यह रफा की अलात है यह नसब की अलामत है यह जर की अलामत है इसम वाहिद मुजक्कर या मोनस वाहिद में कोई एक एग्जाम्पल बोलें जी इसम की मुज़क़्कर वाहिद इसम की शबश किताब गुड नहीं जी किताब का लफ्ज वाहिद मुजक्कर ठीक वाहिद है ना और मुजक्कर है वाहिद मोनस की कोई एग्जाम्पल मेर वाह वाहिद मोनस की एग्जाम्पल ठीक है और मैं उम्मीद करता हूं क्लास में उमर के अलावा भी माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उमर नहीं बैठा हुआ क्लास में मेर मुजक्कर मोनस वाहिद क्लियर हो गया अब आ जाए जी मुसन्ना की तरफ मुसन्ना मुजक्कर की कोई एग्जैंपल उम्र के अलावा मुजक्कर की मुजक्कर की पहले लाए रजू लानी बिल्कुल ठीक है रजू लानी जी मुसन्ना की एग्ज़ैम्पल लाए हैं अब्दुलरहमान रजू लानी मुसन्ना मोनस की कोई एग्जाम्पल जी जी बिन तानी माशाल्लाह बिन तानी मुसन्ना भी कवर हो गया जमा सालिम मुजक्कर की कोई एग्जाम्पल जमा सालिम मुजक्कर मुस्लि मुसली मु? ना।, ना, जी नी नी मुसली मुंह जमा सालिम मोनस की कोई एग्जाम्पल जी सली हाथ सली हाथ जमा सालि मुजक्कर मोनस होगी जमा मुकस्सर मुजक्र की कोई एग्जाम्पल अकला, अकलाम।, अकलाम जमा मुकस्सर मोनस की कोई एग्जेम्पल जमा मुकस्सर मोनस की कोई एग्जैंपल निसा, औरतें ले जी जो कुछ हमने पढ़ा वो सारा आपके सामने आ गया जी जरा किताब क्या जी आपने बताया मुजक्कर और मिरवाहा मनस और ये दोनों किसकी एग्जाम्पल है वाहिद रजुलानी मुजक्कर बिनतानी मोहनस और ये दोनों क्या है मुसन्ना मुस्लिमूना मुजक्कर और सालिहत मोहनस और ये दोनों क्या है जमा सालिम अकलाम मुजक्कर और निशा मोहनस और ये दोनों क्या है जमा मुकसर यही कुछ है ना जो आपने पीछे पढ़ा वो सारा आपका बोर्ड पे आ गया अब देखें कोई भी इसम हो चाहे वाहिद हो मुज़क्र मौनस मुसन्ना हो मुज़क्र मोनस जमा साल हो मुज़क्र मोनस जमा मुकसर हो मुज़क्र मोनस या नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मारफा हो मुज़क्र मोनस या नकरा हो मुज़क् मोनस उसकी तीन इराबी हालतें ज़रूर होंगी तीन हालतों में पाया जाएगा यानी वो तीन हालतें कौन कौन सी होंगी वो रफ़ा में भी पाया जाएगा हालत रफ़ा में इसको असल में हालत तो रफ़ होती है ये सुकून होता है लेकिन उर्दू में चूंकि रफ़ कहना मुश्किल है तो फिर उस फ्लो को बरकरार रखने के लिए रफ़ा बोल दिया जाता है असल प्रोनाशिएशन इसकी रफ है रफ वो अब बोलते बोलते खांसी आ जाएगी आपको तो अलाव यानी इसकी रफ और दूसरी इसकी हालत तो होगी जी नस्ब हालत नस्ब ये भी हम चूंकि नस्ब मुश्किल है तो फ्लो में नस्ब बोल देते हैं जिस तरह इसम असल लफ्ज है ना उसे हम इसम बोल देते हैं इस्म को इसम तो रफ को रफा नस्म को नस्ब तो इसमें तो ठीक होना चाहिए हमें यहां पर मजबूरी है तो इसलिए गुजारा चल सकता है रफा नसब और जर ले मैं आपको बताऊंगा कि हर इसम आपने पहचानना कैसे है कि वो रफा में होगा तो कैसा होगा नसब में होगा तो कैसा होगा और जर में होगा तो कैसा होगा और फिर आप इन इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान के अल्फाज खुद निकाल निकाल के बताएंगे जी ये रफा में आया हुआ यह नसब में आया जर में आया है इसम के हवाले से नोट करें कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आसमा में कुछ आसमा ऐसे हैं जिन पर पहले ही से आखिरी हर्फ पर कुछ ना कोई कुछ ना कुछ लगा हुआ है कोई ना कोई हरकत लगी हुई है ठीक है ना वो कौन कौन से हैं रजुलानी बिन तानी यानी मुसन्ना के दोनों पे लगी हुई है कुछ ना कुछ मुस्लिम बस बस तीन कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके आखिर में कुछ ना कुछ से पहले से मौजूद है लेकिन अरबी जुबान में हर इसम ऐसा मिलेगा आपको जिसके आखिरी हर पर कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा कोई ना कोई हरकत लगी हुई होगी ठीक है सिवाए उन असमा के जिनके आखिर में अलिफ आ जाए अलिफ उस अलिफ पर कुछ नहीं होगा वरना नॉर्मली हर इसम के आखिरी हर पर कुछ ना कुछ लगा होता है तो तीन कैटेगरीज में कुछ ना कुछ लगा हुआ है अब बाकियों पे हमने लगाने हैं और यही हमारा एराब कहलाएगा यानी वो जो कहते हैं ना एराब लगाइए तो हम कहते हम शुरू से हर हर्फ पर जो कुछ लगाते थे हरकत हम उसे एराब कह देते थे तो एराब हर हरकत नहीं है उसके आखिरी हिस्से में आखिरी हर्फ पर जो कुछ लग रहा है या आखिरी हिस्से में कुछ जो चेंजेस आ रही है ना वो एराब होंगी जहन में रखिएगा मसल मैं आप बग़ैर वक्त मजीद लगाए किताब वाहिद मुज़क़्कर इस्म वाहिद मुज़क़्कर इस्म जब भी हालत रफा में इस्तेमाल होगा तो उस पर हालत रफा में उसके आखिरी हरफ पर दो पेश आ जाएंगी जी किता बुन और ये बुन कोई नई चीज नहीं है जब हम पे अरबी बोलने का जोश सवार होता है तो हम यही आवाज़ें निकालते हैं ठीक है ना यानी खिड़की युन बैं चुन ठीक मस्जिद उन वो तो है ही अरबी का लेकिन ये जो नून की आवाज निकालते हैं ना हम ये असल में एराब होता है तो वाहिद इसम फिर सुन लीजिए व मुज जब भी हालत रफा में आएगा उसके आखिरी हर पर क्या आएगा दो पेश किताबुन किताबुन किताबन रफा होगी जी वाहिद मुजक्कर और जाहिर बात है किताब नसब में भी इस्तेमाल होगी तो नसब में ये बन जाएगा जी किताबन और एक अलिफ एडिशनली लिखा जाएगा वाहिद इसम के आखिर में एक अलिफ लिखा जाएगा दो जबर के बाद यह लिखने का रूल है बोलने में नहीं आएगा आपको किताबन किताबन अब जब किताब का लफ्ज़ हालत जर में जाएगा तो माशाल्लाह आपका जहन काम कर रहा है आप सोच रहे हैं कि अब लाजमी बात है बा पर दो जेर आनी चाहिए तो दो जेर ही आएंगी तो किताबन 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 अब आप कहें तर्जुमे में क्या फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोहम्मद उन मोहम्मद मोहम्मदन मुहम्मद इसम के माना में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई तो हम इसको आमतौर पर इस तरह बयान करते हैं कि माना की तब्दीली के बगैर माना की तब्दीली के बगैर इसम की हालत या शकल की तब्दीली को एराब कहते हैं माना की तब्दीली के बगैर माना नहीं तब्दील होते लेकिन इसम की हालत बदल जाती है हालत बदल रही है और शक्ल बदल रही है ठीक है तो यह तब्दीली जो है ये एराब की तब्दीली कहलाती है बहरा इनशाला तला मजीद चलेगा और आखिरी दम तक यानी हमारे चालीसवें दिन तक एराब हमारा डिस्कस हो रहा होगा क्योंकि सबसे अहम टॉपिक अरब इस जुबान का यही है तो किताबुन, किताबन किताबन किताबिन अब आए जी मिरवाहा वाहिद इसमें मोहनस है तो देखते हैं क्या वाहिद मोना इसम का इराब इससे डिफरेंट होगा या सेम होगा मैं लिखता हूं तो आप खुद ही रिजल्ट निकालिएगा लफ्ज है जी मेरे पास मिरवाहा मिरवाहा को जब मैं हालत रफा में बोलूंगा या लिखूंगा तो मैं कहूंगा मिर तुन तो सेम एज मुजक्कर अब मुझे बताएं मिरवाहा तुन को जब मैं नस में लाऊंगा तो क्या बोलूंगा मिरवाहा तन मेर वाह तन अब आपने नोट किया क्या कि मैंने दो जबर के बाद अलिफ नहीं लगाया जिस इम के आखिर में गोलता होगी हालत नसब में उस पर सिर्फ दो जबर लगेंगे एंड पे अलिफ नहीं लगेगा क्यों हां साहब वो इसम जिसके आखिर में क्या होगी गोलता वो जब हालत नसब में इस्तेमाल होगा तो सिर्फ दो जबर ही लगेंगे लिखने में अलिफ नहीं लगेगा वरना रूल ये है कि अलिफ लगे ही लगे ठीक हो गया अब यहाँ पर एक और नई कहानी शुरू हो जाएगी कि और कौन कौन से आसमाए हैं जिनमें दो जबर के बाद अलिफ नहीं लगेगा तो आपकी दिलचस्पी के लिए आपकी परेशानी दूर करने के लिए पहले बता दूं कि पूरी अरबी में सिर्फ दो तरह के आसमा ऐसे हैं सिर्फ दो तरह के आसमा कि जब वो हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं तो सिर्फ दो जबर लगते हैं अलिफ नहीं लगता उसमें से एक किस्म आ गई गोलता वाली और दूसरी किस्म इंशाला तला भी आ जाएगी तो मिरवाहतुन मिरवाहतन और हालत जर क्या होगी मिर वह तिन तो तुन तन तिन ले जी रिजल्ट अभी से पक्का कर लें कि मैं इस, इस पर इसलिए फोकस ज़्यादा कर रहा हूं कि सबसे अरबी ज़ुबान का सबसे अहम टॉपिक एराब है, है। वाद हो चाहे मुजक्कर हो चाहे मोनस हो रफा में दो पेश के साथ नसब में दो जबर के साथ और जर में दो जेर के साथ बोला जाएगा लिखा कैसे जाएगा दो पेश के साथ रफा में दो जबर और एक अलिफ के साथ नसब में और दो जेर के साथ जर में सिवाय वो वाहिद इसम या वो इसम जिसके आखिर में गोलता आ जाए वो दो जबर ही लिखे जाएंगे अलिफ नहीं लिखा जाएगा ठीक हो गया जी आगे चलते हैं जी रजुलानी रजुलानी रजुल से बना था रजुलानी हमने याद किया था आनी तो ये जो आनी की आवाज आ रही है ना आपको आनी यही आवाज मुसन्ना की हालत रफा की पहचान बन गई रजुलानी रफा में जब मुसन्ना आएगा तो क्या होगा जी आपको आनी की आवाज सुनाई दे रही होगी आनी की आवाज ये रफा की आवाज है किसकी मुसन्ना इसम की अब देखें यहां पर अब आप आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि नॉर्मली स्टूडेंट समझते हैं कि रफा का मतलब है पेश यहां तो पेश है यहां भी पेश है लेकिन यहां पर रफा पेश नहीं है यहां पे तो आखिर में जेर आ रही है तो असल में ये आखिरी हरकत यहां पर मकसूद नहीं है साउंड मकसूद है तो मुसन्ना का इराब जब भी आपने पहचानना है साउंड के साथ पहचानना है और उसकी रफा की साउंड क्या है आनी 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 मुसन्ना साउंड आनी रफा साउंड है अब इसका मतलब है कि इसका इराब मुसन्ना का इराब इराब साउंड के साथ आएगा हरकत के साथ नहीं आएगा साउंड के साथ आएगा तो एक साउंड तो आ गई जी रजुलानी तो अब दूसरी साउंड क्या बनाए हम तो नसब और में एक ही शक्ल होगी एक ही साउंड होगी और वो सिंपल ये होगी कि यहाँ पर रजुलानी में अलिफ डला हुआ है ना नसब और में इस अलिफ को मैं चेंज कर दूंगा या के साथ रजू रजू लानी रजू लैनी आनी ऐनी आनी ऐनी आनी ऐनी आनी, आनी रफा और ऐनी नसब और जर है किस किस्म के असमा की मुसन्ना असमा की मुसन्ना असमा की रफा कैसे आएगी आएगी आनी नसब और जर कैसे आएगी ऐनी क्लियर होगी जी जब मुसन्ना मुजक्र की यह बात है तो मुसन्ना मोनस में भी सेम रूल है जी तो ये जो बिन बना था ये इसकी हालत रफाई होगी बिन तानी और नसबर में फिर उसी तरह अलिफ को सिर्फ हमने यहां से बदला और ये बन गया जी बिन तहीं नहीं। तो मुसन्ना का इरा पहचानने का तरीका साउंड से पहचानेंगे आप हरकत की तरफ नहीं जाएंगे वाहिद का इरा जब भी पहचानेंगे हरकत से दो पेश दो जबर दो जेर रफा जर लेकिन जैसे मुसन्ना इसम आया तो दो साउंड आनी ऐनी, आनी ऐनी। अब आए जी जमा साले मुजक्कर जमा साले मुजक्कर में आप देख रहे हैं पहले ही नून पे जबर लगी हुई है हमने देखा हुआ तो एक आवाज हमने बनाई थी ऊना की आवाज आएगी तो ये ऊना आवाज जो है ऊना साउंड जो है ये जमा साले मुजक्कर की हालत रफा की साउंड है तो जमा साले मुजक्कर इस भी साउंड से पहचानेंगे आप तो मुसलिमूना मूना ऊना की आवाज जो है ये बताएगी हमें कि ये जमा साल मुजक्कर की रफा है ऊना और ऊना अगर रफा है, तो नसब और जर क्या होगी वो एक ही होगी और वो होगी माशाल्लाह, आपको तो पहले ही पता है सब कुछ वो होगी जी मुसली मीना मुस्ली मीना, ऊना ईना ऊना ईना आनी ऐनी आनी ऐनी ऊना ईना आनी ऐनी ऊना ईना साले मुज़क़्कर का राबी पता चल गया अब आ जाए जमा साले मोहनस की तरफ आत आ रहा था ना इंड पे आत तो सॉली हाथ सॉली हाथ जब रफा में आएगा तो लंबी ता पर रफा में हम लगा देंगे जी दो पेश सालिहातुन 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 रफा में लगी दो पेश तो पता चला जमा साले मोनस आत जहां पर भी आएगा वो या तो आतुन होगा या फिर क्या होगा सालिहातिन दो जबर इसमें कभी भी नहीं आएंगे सालिहातुन सालिहातिन तिन ठीक है ये जमा साले मोनस का इराब होगा क्लियर होगी यानी आज आपको लग रहा होगा पता कि अरबी पढ़ी जा रही है अब सही है वरना कोशिश मेरी यही होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह के अरबी जो है वो मैं उर्दू में पढ़ाऊं और उर्दू में कोई भी काम किया जाए इंसान को समझ में आ जाता है ठीक है अंग्रेजी भी अगर उर्दू में बोली जाए तो समझ आ जाती है तो कोशिश मेरी यही होती है कि अरबी भी उर्दू में पढ़ाऊं तो अभी तक लहमद उर्दू ही चल रही थी कि थोड़ी सी बार अरबी पढ़ ही ले जी आखिरी कैटेगरी रह गई जी उसके बाद मसला खत्म हो जाएगा इन शाल जमा मुकसर मुजक्र जमा मुकसर मुजक्र इसम हो चाहे मोहनस हो उसका इराब बिल्कुल उसी तरह शो किया जाएगा जिस तरह वाहिद इसम का एराब शो किया जाता है वाहिद इसम का इराब कैसे शो करते हैं रफा में दो पेश नसम में दो जबर जर में दो जेर तो जमा मुक़सर का राह भी बिल्कुल ऐसे ही शो होगा यानी अकलाम की रफा क्या होगी अकला मुन नसम में आ जाएगा जी अकला मन दो जबर के बाद एक लिखा जाएगा ना रूल जब ता आ जाएगी फिर नहीं लिखा जाएगा और अकला मिन इसी तरह निशा निशा उन माशाल्लाह जी निशा उन निशा अन अलिफ ने लिखा अलिफ ने लिखा तो वो जो दूसरी जगह थी ना जहां पर दो जबर के बाद अलिफ नहीं लिखा जाएगा वो ये वाली जगह है और ये कौन सी वाली जगह है यानी किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ जाए किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ गए तो भी हालत नसम में दो जबर के बाद अलिफ नहीं लिखेंगे तो इस चार्ट में हम वो सारी चीजें कवर हो गई और हालत जर निसा इन ले जी मेरे बारह साल अरबी ग्रामर पढ़ाने के दौर में जिंदगी में पहली दफा मैंने इराब इस तरह पढ़ाया है एराब के एतबार से इसम की कितनी हालतें होंगी जी तीन।, तीन कौन कौन सी रफा नसब जर वाहिद इसम चाहे वो मुजक्कर हो चाहे मोनस हो रफा नसब जर में कैसे शो किया जाएगा रफा में दो पेश के साथ नसब में दो जबर के साथ और जर में दो जेर के साथ और जब भी आप दो ज़बर लिखेंगे एक ज़रूर ऐड करेंगे सिवाय दो सूरतों के एक सूरत ये कि वह इसम गोल तापे ख़त्म हो रहा हो या वो इसम अलिफ़ और हमजा पर ख़त्म हो रहा हो फिर नहीं लिखेंगे माशाला अब मुझे बताएं जी मुसन्ना इसम की रफा नसफ जर कैसे शो होगी दो साउंड्स के साथ आनी आनी चाहे वो मुजक्कर हो चाहे मोनस हो माशाल्लाह जमा सालिम मुजक्कर का इराब कैसे शो होगा दो साउंड्स के साथ ऊना ईना जमा सालिम मोनस का इराब कैसे शो होगा दो साउंड्स के साथ इसे भी हम दो साउंड्स ही बना लेना एक साउंड आतुन और एक साउंड आतन की और जमा मुकसर इसम हो चाहे मुजक्कर हो चाहे मोनस हो उसका इराब कैसे शो होगा रफा में दो पेश के साथ नसब में दो जबर के साथ जर में दो जेर के साथ ले जी मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई है अगर समझ में आ गई है तो मेरी अपनी तसल्ली के लिए अगर मैं आपके सामने कोई इसम लिखूं और आपसे दरख्वास्त करूं कि इसको इराबी हालतों में बोल दें तो आप बोल पाएंगे इन श्योर लें जी उमर एज़ यूजल अपने आप को पेश कर रहे हैं पहला लफ्ज मैंने दे रहा हूँ ये उस उसम की तीनों इराबी हालतें बोलेंगे ये जानते हुए कि ये इसम वाहिद है मुसन्ना है या जमा है जमा सालिम है या जमा मुकसर है जमा साल मुजक्र है या जमा मोनस है मुसन्जक्र है या मुसन्स है या वाहिद मुजक्र है या वाहिद मोनस है जी उम्र माशा जी उम्र के लिए लफ्ज है कुर्सी पहले मुझे बताएंगे कि ये इसम क्या है वाहिद है मुसन्ना है जमा है या किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं शाबाश वाहिद मुजक्कर है इसका अभी बोल दें तीनों हालतों में कुर्सी कुर्सियन कुर्सी यन, कुर्सी शही जी माशा यूनि साहब वाहिद है मुसन है जमे वाहिद है माशा जी मुज़क़्कर है कि मन्नस है माशाल्लाह अब तीनों हालतें बोलते हैं उनहीन अन और शही इन सही उन शही अन सही इन अब एक बात का जवाब और दे दें जब मैं नसम में लिखूंगा तो दो जबर के बाद अलिफ लिखूं या ना लिखूं नहीं, नहीं।, नहीं। लिखूं नहीं। क्यों नहीं। बिल्कुल लिखा जाएगा इसलिए कि एंड पे अलिफ और हमजा दोनों आए तो नहीं लिखना सिर्फ हमजा आ रहा है अलिफ पीछे नहीं है इसलिए आप कुरान मजीद में, में देखें शयन कैसे लिखा हुआ देखते हैं जरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं जी इस तरह लिखा देखते हैं ना कुरान में शयन इस तरह लिखा होता है तो बिल्कुल अलिफ आ रहा है हुदूद हुदूद का लफ्ज वाहिद है मुसन्ना जमे या जमा है जी जमा किसकी है हद की जमा हुदूद तो कौन सी जमा हुई जमा सालिम जमा सालिम में तो दो आवाजें आएंगी ऊना की या आत की आवाज जमा, जमा मुक़सर है जमा मुक़सर है जमा मुक़सर का आप कैसे शो करते हैं हालत रफा, रफा में पहले दो पेश के साथ हुदूदुन में। हुदूदन नसम अलिफ लिखूंगा एंड पे लिखूंगा ना शाबाश और जर में हुन माशाल्लाह। तीन हो जी अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी अब तीन इधर से बोलते हैं जी पहचाने का पहला जी माशा आप बताइए जी जन्ना ये वाहिद है मुसन्ना, मुसन्ना है या जमकर माशा और इसकी तीनों राबी हालतें क्या होंगी जन्ना तानी यह रफाई लिखी है मैंने जन्ना तइनी और जन्ना तइनी माशा जी और तीन चाहिए जी 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 जल्दी जी, जी माशा आप बताइए जी मुझे मुझे आप बताइए कि ये, ये इसम जो है वाद मुसन्ना तो है था था कौन सी है जमा मोनस कौन सी सालिम के मुकसर सालिम माशा जमा सालिम मोनस का इराब कैसे शो होगा रफा, रफा तुन नसब और में लिबा तीन माशाल्लाह जी ले जी एक और लास्ट जी जजा वाहिद है मुसन्ना या जमय वाहिद है माशाल्लाह मुसन्ना क्यों नहीं है कैसे नहीं पता रहा आपके मुसन्ना है नहीं है ये मुसन्ना आनी या इनी की आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो मुसन्ना कैसे होगा ये ये जमा सालिम क्यों नहीं है ऊना और इना की आवाज नहीं आ रही आत नजर नहीं आ रहा तो जमा सालिम ही नहीं है अब दो चीजें रह गई या है या जमा मुकसर है ठीक है ना या वाहिद है या जमा मुकसर है तो इतनी माशाल्लाह अरबी आपको पहले से ही आती है कि जजा का वाहिद ही है जमा का लफ्ज नहीं है माशाल्लाह जी दें जजा उन जजा अन जजा इन तो नसब में दो जबर के बाद डालू नहीं डालू इसलिए कि अलिम और हमजा इकट्ठार है ले जी लास्ट वर्ड सबके लिए सबके लिए सू, सू। इसके माना होते हैं बुराई वाहिद वाहिद जी इसकी रफा क्या होगी सू उन नसब अन जर माशाल्लाह नसब में दो जबर के बाद अलिफ डालू हमजा अलिफ हमजा नहीं है अलिफ हमजा होगा तो नहीं आएगा ठीक है जी ले जी अलहमदिल्ला कुछ मुझे अब खुशी हुई है उम्मीद भी हुई है कि इराब कुछ ना कुछ समझ में आया जी आसिफ साहब क्या पूछना चाह रहे हैं हदूद में कंफ्यूजन कैसे मुकस्र जमा सालिम में दो साउंड आएंगी या अगर मुजक्कर होगा तो ऊना की आवाज आएगी ऊना की आवाज आएगी जमा सालिम मुज़क़्कर में और जमा सालिम ऑनस में आत की आवाज आएगी ठीक है अगर ये दोनों आवाजें नहीं आ रही तो जमा मुकसर है एक एकदम पहचानने की कोशिश करें कि है क्या जमा है कि वाद है कल मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुरान मजीद की कुछ आयात लिखू और फिर आपसे पहचान कर रहा हूँ कि आप अलहमदिल्ला इस काबिल हो गए हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले आसमान जो हैं उनकी आरबी हालतें पहचान रहे हैं उनकी जिनस पहचान रहे हैं उनका अदद पहचान रहे हैं इन ठीक है और वसत को इनशाल्ला फिर पढ़ेंगे जी सुबह कल्ला हमदी का अरशदुल्ल अस्तफ़िर का वतूबिल